रोज रोज एक ही टेंशन रहती है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसा हेल्दी क्या खिलाएं जिससे लोग एनर्जेटिक रहें, खास करके वो आदमी जो घर से बाहर निकलकर बहुत सारी मेहनत करते हैं और काम करते हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसा ही बनाते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसको गर्म कर लिया है और बनाने में क्या जा रही हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताती हूँ। वीडियो को आप थोड़ा देखिए, उसके बाद बताते हैं हम। कढ़ाई हल्की सी गर्म हो जाए, मतलब उसमें पानी ना बचे, तो आपको ज़्यादा सा घी लेना है। मतलब घी आप इतना लीजिए कि अगर 4 चम्मच आप हलवा का पाउडर ले रहे हैं तो 1 चम्मच तो घी हो ही हो। ये है मूंग की दाल। मूंग की दाल को मैं इकट्ठे मंगा कर धुल कर पीस कर रख देती हूँ। एक साथ मैं 1 किलो दाल मंगाती हूँ, धुल कर सुखा देती हूँ और उसके बाद मैं उसको पीस कर रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने 4 चम्मच ले लिया है। 4 चम्मच एक लोगों के लिए इनफ होता है, तो मैं सुबह बस 4 चम्मच का ही हलवा बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो नाश्ते में सब्जी पराठा अगर कर लेते हैं तो फिर लंच नहीं लेकर जाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए हलवा बना देती हूँ सुबह सुबह। और उनको ये हलवा बहुत पसंद आता है। कई बार मैंने सूजी का हलवा बनाया बट वो सूजी का हलवा इतने इंटरेस्ट से नहीं खाते हैं, 1-2 चम्मच खाएंगे और रख देंगे कि तुम लोग खा लेना। लेकिन मैं ये मूंग दाल का हलवा जो बनाती हूँ इसको वो बहुत चाव लेकर और बहुत इंटरेस्ट से खाते हैं और ये बहुत हेल्दी होता है, इसलिए आप लोग भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। चलिए हम रेसिपी शेयर कर देते हैं आपको। मूंग की दाल धुली हुई मंगाकर सुखा लेनी है, धुलकर एक बार उसको, और उसको पीस कर आप चाहें तो इकट्ठा पाउडर रख लें या फिर 2-4 दिन का इकट्ठे आप एक बार में पीस लिया करें। ज़्यादा सा घी डाल के, मतलब अगर आप 4 चम्मच का बना रहे हैं तो कम से कम 1 चम्मच घी डालकर आप इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी लगने लगता है, बहुत जल्दी जलने लगता है, तो आधा पका होगा और आधा कच्चा रह जाएगा, इसलिए आपको इसको कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। उसके बाद आपको इसमें डाल देना है दूध। दूध या फिर आपके घर पर जो भी मलाई आपने रखी हुई है तो आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हो। मैं पहले दाल भिगोकर हलवा बनाती थी, 2-3 दिन मैंने वो बनाया, लेकिन वो बहुत टाइम लगता है उसमें और जल्दी बनता भी नहीं है, बहुत चिपकता है, तो इस वजह से मैंने ये फॉर्मूला अपनाया है कि मैं इसको इजीली बना दूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बिना स्किप किए बिना रोके वीडियो बनाया है और 6-7 मिनट का ही वीडियो बनाया। मोस्टली इसमें 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा इस हलवे में नहीं लगते हैं। मलाई डाल दी थी मैंने, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि अच्छे से कूट कूट कर पक जाए। और जब भी आप मिक्सी में दाल को पीसें तो दाल थोड़ी सी दरबरी रहती है, तो आप उसको छन्नी से छाने नहीं, हल्का सा दरबरा ही जो रहता है ना मूंग का टेक्सचर, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसको दूध डालकर अच्छे से धीमी आँच में पकाना है। तेज़ आँच में अगर आप पकाएंगे तो दूध जल जाएगा और जो मूंग थोड़ी सी टाइट सी होती है वो फूल कर अच्छे से पकेगी नहीं। तो धीमी आंच में आप इसको पका लीजिए, 5 मिनट मुश्किल से आप पकाएंगे। 2-3 मिनट कल्हारने में, मतलब फ्राई कर उसको रोस्ट करने में लगता है, और 5 मिनट ये पकाने में लगता है। उसके बाद जब ये पक जाएगा तो 2 मिनट लगते हैं चीनी डालने में। आपका हलवा 8 से 9 मिनट में बिल्कुल बनकर प्लेट पर रेडी हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस दाल पीसने का रहता है तो आप वो पहले से रेडी करके रखें। ये देखिए मैं इसको चला लेती हूँ और जो मलाई मैंने डाली थी, मलाई बहुत सारी मेरे पास इकट्ठा हो गई थी तो मैंने मलाई डाल दी थी। बहुत सारी क्या, मतलब आज की जो निकली थी वो डाल दी थी मलाई। अब मैं इसमें छोटी 4 चम्मच चीनी डाल दूंगी। मेरे यहाँ पे छोटी स्पून है, टी स्पून बोलते हैं उसको, तो वो है। अगर आप बड़ी चम्मच डाल रहे हो तो 2-2.5 चम्मच डालो, वो इनफ होगा। तो मैं 4 चम्मच चीनी डाल दूंगी। अब इसको मैं अच्छे से चला लूँगी, चीनी मेल्ट हो जाएगी। मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी, नहीं तो ये चिपकने लगता है। तो अब चलाने के बाद इसमें आप चाहें तो बादाम काजू क्रश करके डाल सकते हैं। मेरे मुझे ना दांत में प्रॉब्लम होती है, वो जो बड़े टुकड़े रहते हैं तो वो फंस जाते हैं दांत में, इस वजह से मैं ग्रेट करके डालती हूँ और मैं ऊपर से गार्निश करके लिए करने के लिए ग्रेट कर देती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनकर रेडी है। आप इसको अपने बच्चों को खिला सकते हैं, आप इसको अपने हस्बैंड को खिला सकते हैं, आपकी अगर रिसेंटली डिलीवरी हुई है तो आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये हलवा, गुड़ों से भरपूर होता है, आँखों की रोशनी के लिए, कैल्शियम के लिए, और जो आपके शरीर में ताकत की कमी होती है उसके लिए, एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है ये हलवा। तो हर किसी को ये ट्राई करना चाहिए। मेरा डेली का रूटीन है, मैं डेली बनाती हूँ। बाई चांस किसी दिन स्किप हो जाए
बट मोस्टली मैं डेली ट्राई करती हूँ कि डेली ही बना दूँ। ये देखिए मेरा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, और आप लोग भी अगर चाहेंगे कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मेरी बहन ने कल मुझसे पूछा, दीदी आप हलवा कैसे बनाती हो जीजा के लिए, आप मुझे बता दो। मैं भी उसके ससुर हैं, उनकी आँखों में प्रॉब्लम है, वो नाश्ता जल्दी नहीं करते हैं, तो वो बोल रही थी कि मैं उनके लिए सुबह बना दिया करूँ। तो मैंने बोला हाँ अपने ससुर के लिए भी बना दिया करो और हस्बैंड के लिए भी बना दिया करो। तो उसने पूछा, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं वीडियो ही बनाकर डाल देती हूँ। मलाई कई बार होता है ना, जो घी वाली मलाई अलग होती है, लेकिन जो साइड साइड में चिपक जाती है वो मलाई, उस मलाई में घी नहीं होता, तो वो मलाई आप इसमें डाल सकते हैं और बहुत अच्छे खोए टाइप का फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर मैजिकल टेस्ट का जो काम करता है ना, वो करता है घी। मूंग की दाल में आप जितना ही घी डालेंगे उतना ही अच्छा होता है। एक चम्मच डेढ़ चम्मच के आसपास मैंने पहले घी डाला था, अब एक चम्मच डेढ़ चम्मच के आसपास मैं ऊपर से घी डालूंगी इसमें, और वो ऊपर से ताज़ा घी जो पड़ता है उसकी स्मेल वाओ, लगता है बस घी घी पी जाए। तो ये देखिए मैंने घी डाल दिया है खूब सारा, आपको दिख रहा होगा ऊपर से इसमें घी। और ये घी डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बादाम को क्रश कर दूंगी, काजू और बादाम मैं क्रश कर देती हूँ, लेकिन इस टाइम बारिश के सीज़न में मैंने काजू मंगाए नहीं, कई बार उसमें घुन लग जाते हैं, तो मैंने इस टाइम काजू नहीं मंगाए हैं, बादाम है मेरे घर पे अवेलेबल। तो ये देखिए मैं बादाम क्रश कर देती हूँ, मेरे साथ कोई वीडियो को होल्ड मतलब कैमरे को होल्ड करने वाला नहीं है, मोबाइल को होल्ड करने वाला नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट आपको क्रश करके दिखा दिया है। आप चाहें तो बनाते टाइम भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो, और इन्जॉय करिए अपना हलवा।